नमस्कार, मैं हूं राधिका। कपूर फैमिली ने आरके स्टूडियो बेचने का फैसला लिया है। आरके स्टूडियो 1940 में राज कपूर ने बनाया था, लेकिन पिछले साल सितंबर में एक शूटिंग के दौरान वहां आग लग गई थी, जिसकी वजह से आरके स्टूडियो में रखी गई सारी आइकॉनिक चीज़ें जलकर खाक हो गई थी। इसके बाद यहाँ शूटिंग ना के बराबर होती है। इसी बीच करीना कपूर का भी रिएक्शन सामने आया है। हाल ही में जब करीना से आरके स्टूडियो बेचे जाने पर सवाल किया गया तो करीना ने कहा, इस स्टूडियो से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, वहां की गलियों में हम बड़े हुए हैं। आगे करीना ने कहा कि 4-5 दिन से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसके अलावा करीना बोली कि अगर फैमिली ने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, अगर उन्होंने यही तय किया है तो यही सही। वैसे आपको बता दें कि कपूर फैमिली को लगता है कि इसका रेनोवेशन करवाना इकोनॉमिकली प्रैक्टिकल नहीं है। इसके अलावा ऋषि कपूर भी इस फैसले को लेकर काफ़ी इमोशनल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आरके स्टूडियो से हमारा खास लगाव है, लेकिन आने वाली पीढ़ी का कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा कि हमें सीने पर पत्थर रख कर ये फैसला लेना पड़ रहा है। वहीं आरके स्टूडियो में कई फिल्में बनाई गई हैं, जैसे बरसात, आग, आवारा, जिस देश में गंगा बहती है, मेरा नाम जोकर, बॉबी, राम तेरी गंगा मैली हो गई और सत्यम शिवम सुंदरम। वहीं आरके बैनर में बनने वाली आखिरी फिल्म थी आ अब लौट चले।